ये कहानी यशोदा और उसकी 6 साल की बेटी वर्षा की है। यशोदा के पति की मृत्यु पिछले साल हो गई थी। वो जब अपनी बेटी वर्षा को स्कूल से लेकर घर आ रहा था, तभी सामने से एक तेज रफ्तार की गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। यशोदा के पति ने अपनी बेटी को वक्त रहते दूर धकेल दिया था, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया। वर्षा बेचारी पहले से ही उस हादसे से सहमी हुई थी। ऊपर से उसकी दादी उसे ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। यशोदा ने अपनी सास के आगे बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यशोदा की सास ने दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। माँ, दादी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या सच में पापा मेरी वजह से मरे हैं? नहीं नहीं मेरी बच्ची, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसा कहकर यशोदा ने अपनी फूल सी बच्ची को गले से लगा लिया और ये सोचा कि अब उसका और उसकी बच्ची का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। वो वर्षा को लेकर घर से निकल पड़ी और अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर उसने कुछ पैसों का इंतजाम किया और अपनी बेटी के साथ शहर आ गई। यशोदा को पूरी उम्मीद थी कि शहर में उसे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। यशोदा और वर्षा सारा दिन काम की तलाश में दिन भर इधर से उधर भटकते रहे। फिर एक जगह अचानक से वर्षा रुक गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी वो देखो, वो मालपुआ है ना? हाँ वर्षा, वो मालपुआ ही है। माँ मुझे मालपुआ खाना है, पिछली बार होली पर आपने कितना स्वादिष्ट मालपुआ बनाया था। यशोदा अपना पर्स खोल कर देखती है तो उसमें बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो वर्षा को मालपुआ खिलाने ले जाती है, क्योंकि लंबे समय से वर्षा ने कुछ खाया भी नहीं था। वो शहर के एक बड़े हलवाई धीरज की दुकान थी, जो होली की खास मिठाइयों से सजी हुई थी। भैया ये मालपुआ कैसे दिया? 700 रुपए किलो। अच्छा, और ये वाला? ये 600 रुपए का 1 किलो है। भैया एक मालपुआ कितने का दोगे? क्या कहा, एक मालपुआ चाहिए, लग ही रहा था मुझे। तुम जैसे फटीचर लोगों की किस्मत कहाँ मेरे दुकान के मालपुआ खाने की। भैया मैं मुफ्त में थोड़ी ना मांग रही हूँ, बच्ची का मन है खाने का। 50 रुपए का 1 मालपुआ है, ला दे 50 रुपए। यशोदा तुरंत अपने पर्स में से 50 रुपए निकाल कर धीरज को दे देती है। धीरज के पास अब कोई चारा नहीं था, वो एक मालपुआ वर्षा को निकाल कर दे देता है। मालपुआ देखकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो मालपुआ एक और खाती है तो कहती है, छी छी ये मालपुआ तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, मुझे आपके हाथ का मालपुआ ज्यादा अच्छा लगता है माँ। इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इतना महंगा मालपुआ तुम्हें पचेगा भी नहीं। मेरी दुकान में खड़े होने की औकात नहीं है और मेरे दुकान की मिठाइयों को बेकार बोल रही है। भैया आप नाराज मत होइए, छोटी बच्ची है। वैसे भैया आपकी इतनी बड़ी दुकान है, मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? अब बोली ना तूने असली बात, तेरे लायक एक काम तो है मेरे पास, दुकान के अंदर और बाहर की साफ सफाई कर दिया कर, बदले में रोज का 20 रुपए दे दूंगा। नहीं भैया, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और पकवान बना लेती हूँ, आप मुझे अपनी रसोई में काम दे दीजिए। ओहो, मेरी रसोई में काम करना है तुझे? पहले आईने में जाकर शक्ल देख अपनी, तुझे पता भी है शहर में कितना बड़ा नाम है मेरी दुकान का, एक से एक शेफ है मेरे पास, उन्हें हटाकर मैं तुझे रख लूं। मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ है, अब तू भी अपने दिमाग को ठिकाने पर ला और निकल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। धीरज यशोदा और वर्षा को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। यशोदा को उसके बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो घर घर जाकर काम की तलाश करने लगती है। फिर एक जगह एक औरत उससे कहती है, देखो मैं तुम्हें काम पर तो रख लूंगी, लेकिन तुम्हें पहले खाना बनाकर दिखाना होगा। अगर मेरे बेटे को तुम्हारा खाना पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मुझे माफ करना। क्या है ना, मेरे बेटे के खाने को लेकर बड़े नखरे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेम साहब, मुझे पूरा यकीन है कि छोटे मालिक को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। वो घर अनीता का था, वो शहर के एक बड़े सोसाइटी का बहुत बड़ा घर था। वहाँ पर घर के हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर थे। उन सभी के बीच यशोदा को अपनी जगह बनानी थी। उसने सभी के लिए खाना बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद उस घर का बेटा यश खाना खाने आया और खाना देखकर बोला,
ये क्या माँ, आपने तो कहा था किसी नए कुक ने खाना बनाया है, लेकिन खाना तो पहले जैसा ही दिख रहा है, ये सब क्या है? तभी वहाँ खड़ी यशोदा कहती है, ये दाल मखनी है छोटे मालिक, और ये आपका पसंदीदा फ्राइड राइस, और साथ में रायता और गुलाब जामुन भी है, एक बार खा कर देखिए। ठीक है, लेकिन मुझे टेस्टी नहीं लगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, फिर आप बुरा मत मानना। ठीक है छोटे मालिक, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मत खाना। यश यशोदा के हाथ का बना हुआ खाना चखता है, और उसके बाद तो वो रुकता ही नहीं है। अरे यश, बताओ तो सही, कैसा लगा खाना? मॉम रियली इट्स ऑसम, अब मुझे खाने दो। अपने बेटे को कई सालों बाद इस तरह चाव से खाते हुए देख अनीता को बहुत अच्छा लगता है। वो यशोदा को अच्छी पगार पर अपने यहाँ रख लेती है। वो अपने ही घर में यशोदा और वर्षा को रहने के लिए एक सर्वेंट रूम दे देती है। यशोदा अब बहुत खुश थी। वो पूरे मन से खाना बनाती थी और घर के सभी लोग उसके हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। इसी तरह एक साल बीत जाता है। होली से पहले एक दिन अनीता अपने बेटे यश से कहती है, यश, होली पार्टी के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स की लिस्ट रेडी हुई कि नहीं? हाँ मम्मा रेडी है, लेकिन मम्मा स्नैक्स का क्या करना है? मालपुआ, गुजिया वगैरह? पिछली बार मेरे फ्रेंड के पापा के शॉप से आया था सब कुछ, इस बार भी वहीं से मंगाना है क्या? नहीं यश, उस शॉप का बस नाम बड़ा है, पिछली बार बहुत सारा गुजिया और मालपुआ वेस्ट हो गया था, इस बार कोई और जगह देखते हैं। पास ही खड़ी यशोदा ये सब सुन रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके अनीता से कहा, मैडम अगर आपको ठीक लगे तो क्या पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूं? लेकिन यशोदा, लोग बहुत सारे होंगे और तुम्हें बहुत सारे पकवान बनाने होंगे, 2 दिन बाद होली है, क्या तुम कर लोगी? मैं कर लूंगी मैडम, और फिर वर्षा भी तो है मेरी मदद करने के लिए। वो क्या है ना मैडम, मैं अपनी वर्षा को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। आप चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं बहुत अच्छा पकवान बनाऊंगी। सच में मम्मी, आप होली के लिए मालपुआ भी बनाएंगी? अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। वर्षा की बात सुनकर यश और अनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर अनीता यशोदा को ही पार्टी के खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है। होली के त्योहार के लिए सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। यशोदा जी जान से तैयारी में लग जाती है, वर्षा भी उसकी पूरी मदद करती है। फिर होली वाले दिन, वाह यश, कसम से ये गुजिया और मालपुआ तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। वैसे तुमने सही किया जो पापा की कैटरिंग नहीं रखी, लाओ इसी बात पर एक और मालपुआ खिलाओ। धीरे बोल भाई, तेरे पापा बाहर ही खड़े हैं, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं। यश की बात सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। दरअसल वो लड़का किसी और का नहीं, उसी धीरज का बेटा था, जिसने यशोदा को एक दिन अपनी दुकान पर काम देने से इनकार कर दिया था। साथ ही उसे बहुत बातें भी सुनाई थी, वो भी अनीता की होली पार्टी में शामिल होने आया था। आपने सही नहीं किया भाभी जी, इस बार अपनी पार्टी का ऑर्डर हमें नहीं दिया, इस बार मेरे यहाँ के स्नैक्स बहुत स्वादिष्ट बने हैं। वो सब छोड़िए भाई साहब, पहले ये मालपुआ खाकर बताइए कैसा है। धीरज अनीता का दिया हुआ मालपुआ खाता है और खाता ही रह जाता है। अरे अरे ध्यान से खाइए भाई साहब, उंगली मत खाइएगा। मालपुआ तो बहुत स्वादिष्ट है भाभी जी, वैसे किसको ऑर्डर दिया था इस बार? ये सारे स्नैक्स मेरी हाउस कुक ने बनाया है, इस बार मैंने किसी को कोई ऑर्डर नहीं दिया था। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरा मिलवाइए तो अपनी कुक से। अनीता धीरज को यशोदा से मिलवाती है। यशोदा को देखते ही धीरज चौंक जाता है, उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने उस दिन यशोदा को कहा था। वो यशोदा के सामने हाथ जोड़ लेता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। अरे पापा, ये क्या कर रहे हो आप, इस तरह हाथ क्यों जोड़ रहे हो? माफ़ी मांगने के लिए हाथ ही जोड़े जाते हैं बेटा, मैंने इनका बहुत अपमान किया है, शायद इसलिए आज होली जैसे बड़े त्योहार पर भी मेरी दुकान में पहले वाली रौनक नहीं रही। ऐसा कहते कहते धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो यशोदा से माफ़ी मांगता है और साथ ही उसे अपनी रसोई में काम करने का ऑफर भी देता है। माफ़ कीजिए साहब, पुरानी बातों को तो मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं मैडम के यहाँ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे काम के साथ एक अच्छा परिवार भी मिला है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यशोदा की बातों पर अनीता मुस्कुरा देती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन होली पर वर्षा भी बहुत खुश थी।
मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है घमंडी लिपस्टिक के जादुई पेड़ की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले काशीपुर गांव में हीना नाम की लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। हीना के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि काले रंग की वजह से कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसी गांव के पास एक जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ कटीली दीवार थी। उस पेड़ पर लगने वाली लिपस्टिक जो भी लड़की अपने होठों पर लगाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो पेड़ सिर्फ अपने लिपस्टिक अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की लिपस्टिक लेने उस पेड़ के पास आती तो वो पेड़ उन्हें वहाँ से डांटकर भगा देता था। जब ये बात हीना को पता चली तो वो जादुई पेड़ से मदद मांगने उस जंगल में जा पहुँची और जादुई पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई पेड़ मेरी मदद करो, कृपा करके मुझे एक लिपस्टिक दे दो। हीना को देखते ही जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, हे लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, चल भाग यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है, तो मुझे प्लीज अपनी एक जादुई लिपस्टिक दे दो जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं ताकि मेरी शादी हो सके। नहीं, मैं तुम्हें अपनी लिपस्टिक नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अमीर और सुंदर लड़की को ही अपनी जादुई लिपस्टिक देता हूं, समझी, तू जैसी गरीब लड़की को नहीं। हीना जादुई लिपस्टिक के सामने बहुत विनती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई लिपस्टिक के पेड़ को उस पर जरा भी दया नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आई और बोली, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ, मैं तुमसे लिपस्टिक लेने आई हूँ ताकि मैं और भी सुंदर देख सकूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे लिपस्टिक यहाँ से ले जा सकती हो। इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक पेड़ के चारों ओर की दीवार गायब हो गई और वो लड़की ढेर सारी लिपस्टिक लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देख हीना मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है, जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, उनका तो एक बेटा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। इतना सोचकर हीना उस लड़की का पीछा करने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल में बनी एक काली गुफा के अंदर चली गई। ये देख हीना सोच में पड़ गई, ये लड़की इस गुफा में क्या करने जा रही है, आखिर माजरा क्या है, चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए हीना दबे पांव गुफा के अंदर गई। तभी वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी जादूगरनी में बदल गई। फिर वो जादूगरनी उन लाए हुए लिपस्टिक में से एक लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है। जैसे ही उसने लिपस्टिक होठों पर लगाई वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। ये जादुई पेड़ तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है, अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख हर रोज पानी में डालकर पिया करूंगी तो मैं बहुत जल्द इस दुनिया की सबसे सुंदर और शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर हीना सन्न रह गई। अरे ये क्या, ये तो कोई दुष्ट जादूगरनी है, मुझे किसी तरह जादुई पेड़ को बचाना होगा, मैं अभी जाकर जादुई पेड़ को सावधान करती हूँ। उसके बाद तुरंत ही हीना जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मुझे तेरी कोई भी बात पर विश्वास नहीं है, तो चली जाए यहाँ से, मैं अपनी रक्षा खुद करना जानता हूँ, भाग यहाँ से। हीना दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जादूगरनी उस पेड़ को काटने कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गई। जादूगरनी को देख जादुई पेड़ घबरा गया। अरे नहीं, उस लड़की ने मुझसे सच कहा था, ये दुष्ट जादूगरनी मुझे काट कर मुझे मार डालेगी, मुझे इससे बचना होगा, मैं जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लेता हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ अपनी चारों तरफ बनी दीवार को अपने जादू से
और ऊंचा कर लेता है। लेकिन दुष्ट जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, जादुई पेड़ अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए जादूगरनी जैसे ही उस पेड़ को काटने लगती है, तभी वहाँ अचानक हिना जलती हुई मशाल लेकर आ पहुँची और बोली, खबरदार, अगर तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। हिना की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसते हुए बोली, तू मुझे भस्म करेगी बेवकूफ लड़की? लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मुझसे मुकाबला करेगी? ये कहते हुए जादूगर ने कुल्हाड़ी लेकर हिना की तरफ बढ़ी। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। हिना के हाथों में जलती हुई मशाल बुझ गई। अरे नहीं, मेरी मशाल बुझ गई, अब मैं क्या करूं? जलती हुई मशाल से मुकाबला करने चली थी, अब तो वो भी बुझ गया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी लड़की, पहले मैं तुझे ही मारूंगी, उसके बाद इस पेड़ की बारी। इतना कहकर जादूगरनी ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई थी, जिस वजह से जादूगरनी का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। मौका पाकर हिना उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उसके बाद हिना उस कुल्हाड़ी से जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर डाला लड़की, हाय मर गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ ही काटे हैं, अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तेरी नाक भी काट डालूंगी, फिर तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? हिना की बात सुनकर दुष्ट जादूगर ने डर कर वहाँ से भाग गई। वही जादुई पेड़ हिना का धन्यवाद करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब तुम जितना चाहे जादुई लिपस्टिक ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर हिना बहुत खुश हो गई। फिर वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई लिपस्टिक लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर उसने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई। जादुई लिपस्टिक लगाते ही वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखने लगी। अपनी बेटी को इतना सुंदर देख हिना के माता पिता मन ही मन बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद हिना के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। उसके बाद हिना की शादी उसके माता पिता बड़ी धूमधाम से करते हैं। फिर हिना अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।